हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी के बैच चल रहे हैं, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा परसेंटेज। परसेंटेज में हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है जो कि बेसिक पार्ट हमारा था। अब जो आएगा ये सेकंड पार्ट आता है, ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन लेके चलेंगे और थोड़ा इसमें ट्रिक लगा के चलेंगे। तो चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पहला क्वेश्चन कैसा है। पहला क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल ले लीजिए जो हमने पीछे पढ़ा था। सबसे पहले तो हमें एक बात बता दीजिए कि 20% है ये, तो ये कितना होता है? 1/5। क्या होता है? 1/5। 1/5 ही होता है, 1/5 होता है। यदि आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, पिछला चैप्टर हमारा देखा होगा, तो यदि 1/5 है तो नीचे की वैल्यू मैंने आपको बताया था, सीपी बताया था, इसी को मैंने टोटल वैल्यू भी बोला था और इसी को मैंने वास्तविक यानी कि रियल वैल्यू बताया था ना। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है, या तो ये प्रॉफिट होगी या तो ये लॉस होगी, क्वेश्चन के अनुसार चलते थे ना। अब इसी केस को देख लीजिए। सबसे पहले 1/5 है, सबसे पहले हम प्रॉफिट का केस देख लेते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए जिससे कि क्वेश्चन आपको आसानी से कर पाओ। नीचे की वैल्यू हमारी सीपी थी और 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहे थे, तो ये वस्तु कितने में बेच रहे थे आप? 6 रुपए में, यानी एसपी हमारा 6 रुपए आ जा रहा था। कैसे? जब प्रॉफिट लिया जा रहा था तो कैसे? देखिए, सीपी हमारी 5 है, इसमें 1 रुपए का प्रॉफिट आपने ले लिया, तो ये वस्तु 6 रुपए में जा रही थी। अब हमें एक बात बता दीजिए, लाभ कहे या वृद्धि कहे, इनमें कोई अंतर है? भाई, लाभ लेना यानी कि आपको पैसा मिल रहा है ज्यादा, वृद्धि मतलब वही चीज, पैसा मिल रहा है आपको ज्यादा। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अब एक हमें बात बता दीजिए, यदि यही चीज 1/4 है, ऊपर की संख्या हमारे लॉस में जा रहा है, यानी 1 रुपए का लॉस हो रहा है और नीचे की वैल्यू हमारी सीपी है, तो एसपी हमारा कितना होगा? तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर एसपी हमारा 3 होगा। कैसे होगा? सीपी हमारी 4 दिया है, 1 रुपए का यदि लॉस ले लोगे आप तो वो वस्तु 3 में जाएगी। ये चीज आपने पढ़ चुके हैं, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। हम कहें कि ये हानि है या इसको कमी कह दें, तो बात तो एक ही है कि कोई अंतर है भाई? बात एक है कि नहीं है कि कोई अंतर है भाई? क्लियर? आप समझो कि लाभ का मतलब वृद्धि और हानि का मतलब कमी। यदि ये कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा तो आपको यह क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं भी समझा होगा तो यहां समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई परसेंटेज में दिया है, तो आप पहले भिन्न में चेंज करते हैं, ये तो सबको मालूम है। नीचे वाली वैल्यू आपको बताया था मैंने, सीपी होती है टोटल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है यानी कि वास्तविक वैल्यू, कुल वैल्यू और क्रय मूल्य, ये 3 चीजें होती है, या लागत मूल्य भी कह सकते क्रय मूल्य को। 5 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए का यदि लाभ ले लेगा तो वो वस्तु 6 रुपए में जाएगी। क्लियर है? लाभ कहे या वृद्धि कहे, बात तो एक ही है, क्यों नहीं एक है? लाभ भी वही चीज होता है, वृद्धि भी वही चीज है। वैसे ही हानि का केस यदि हम देखें, तो यदि 4 रुपए की कोई वस्तु है, 1 का हानि हो जाएगा तो वो वस्तु 3 में जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये हमारा एसपी हो गया, 3 में जाएगी। कैसे? ये हमारा सॉल्व करके बता दिया। हानि कह लीजिए या कमी कह लीजिए, बात तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आ जाएगी आपको क्वेश्चन करने में, और ये पेपर में आया हुआ है, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के भाव में 14 स्याही 2/7% की कमी हो जाती है, वही चीज केस समझ लीजिए, यानी लॉस हो जाता है, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 33 स्याही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। अब जैसे ही भाव में कमी होगी तो वृद्धि तो होगी होगी, खरीदारी में वृद्धि होगी, कितना? 33 से 1/3%। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में
से प्राप्त राशि कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा, यानी पहले और अब में कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, जैसा मैंने बताया था बस वैसे आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्या 14 स्याही 2/7% की क्या हो रहा है, जैसे ही कमी हुई वैसे ही 33 स्याही 1/3% की वृद्धि हो गई। क्लियर है? आपको मालूम है कि 14 स्याही 2/7% 1/7 होता है ना, और 33 स्याही 1/3% कितना होता है, 1/3 होता है। ये तो आपको क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहले हमारे कमी हो रही है तो कमी में क्या होगा, अभी मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल बताया कि कोई वस्तु 7 रुपए की है, 1 रुपए की कमी हो जाएगी तो वो वस्तु कितने में जाएगी, 6 रुपए में। यानी कोई वस्तु 7 रुपए की थी अब वो बन के आई 6 रुपए, यानी कमी हो गई 1 रुपए की। ऐसे ही जब वृद्धि हो रही है हमारी दैनिक जीवन में तो कितना वृद्धि हो जाएगी, 3 है 1 रुपए की वृद्धि हो जाएगी तो वो वस्तु 4 रुपए की हो जाएगी। बस जो कटता काट दीजिए, आप जानते हैं जो रेशियो होता है वो कट जाता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो मालूम है, कोई डाउट नहीं है। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना, तो ये हमारा कितना जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 4 × 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। क्लियर भाई? इधर वाली संख्या का मल्टीप्लाई इधर किया जाता है, इधर वाली संख्या का मल्टीप्लाई इधर किया जाता है। क्लियर? अब हमें एक बात बता दो, पहले 7 रुपए की वस्तु आप बेच रहे थे अब वो 8 रुपए में जा रही है, कितने का अंतर आ गया, 1 रुपए का, 1 रुपए का अंतर आ गया ना। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना। एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है, यही तो है भाई, इधर ही की तो एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी रियल वैल्यू होती है, यही तो होती है, यही तो हमारा रियल वैल्यू होती है कि नहीं। यानी एक पे आप जानते हो प्रॉफिट लॉस आप पढ़े थे, तो हमारा लाभ ऊपर होता है और सीपी हमारा नीचे होता है, यानी रियल वैल्यू हमारा नीचे हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, 2/3% सॉरी 7 का अंतर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं था, आप जानते हो रेशियो में ये कैंसल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर वाली संख्या जो होती है और इधर वाली संख्या होती है ये आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये तो मालूम है। इधर वाली संख्या ले लो या इधर वाली संख्या ले लो, आपस में कटेगा। कैसे कटेगा, देखिए 2:3 है तो 2/3 कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है ना। बस वही चीज समझो कि 2/3 क्या है, ये जैसे ही आपने किया तो सवाल आपने पूरा सॉल्व कर लिया। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे, चलिए एक और क्वेश्चन आप देखो, उससे आपको और क्लियर होता जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी अब। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी बताया है, यदि थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा तो। क्या लिखा है, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है, वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले वो क्या कह रहा है आप बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन आप देखो, एक बार क्वेश्चन आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है कि सबसे पहले 25% का क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यानी 25% की क्या हो रहा है हमारा, कमी हो रही है, यानी कि नीचे हो गया। 25 का आपको जानते हैं 25% बराबर होता है 1/4, वैसे ही दैनिक जीवन में 30% की, तीसी परसेंट है ना, हाँ 30% की वृद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा 30/100, 0 से 0 कैंसिल 3/10। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट। अब पहले कमी हो रही है, यानी 4 रुपए की कोई वस्तु है तो वो 3 रुपए में जाएगी, भाई 1 का लॉस हो गया ना, भाई कोई वस्तु 4 की है, 1 रुपए का लॉस ले लेंगे तो 3 में जाएगी,
वृद्धि का मतलब प्रॉफिट होने का मतलब होता है। यदि कोई वस्तु 10 रुपए की है तो वो वस्तु कितने में जाएगी? 13 रुपए में जाएगी। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 39। अंतर कितना आ गया? एक का अंतर आ गया, आ गया एक का अंतर, तो एक अंतर आ गया बट 40 × 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 और 5 यानी 5/2%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी 5/2% का यानी 2.5% का अंतर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इनमें कोई भी आपको डाउट हो तो बताओ कि हाँ मुझे ये डाउट लग रहा है, कोई भी इसमें डाउट हो तो आपको बताओ कि नहीं मुझे ये डाउट लग रहा है। भाई सिंपल सा सवाल है यार, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी है। 25% की कमी हो गई, 30% की वृद्धि हो गई, तो हमारा कितना आ गया? पहले 40 रुपए की थी, अब वो 39 रुपए में जा रही है। अब अंतर कितना आ गया? 1 रुपए का। अब ये लॉस है प्रॉफिट उस समय क्या मतलब, हमें तो अंतर निकालना, मैंने अंतर निकाल दिया, एक का अंतर आ गया, तो एक हमारा अंतर आ गया। रियल वैल्यू हमारी क्या 40 है, रियल वैल्यू हमारी 40 है, तो 40 पे एक होगा कि नहीं? रियल वैल्यू हमेशा नीचे होती है, सीपी हमेशा नीचे होती है, वास्तविक वैल्यू हमेशा नीचे होती है। नीचे रख दिया और ऊपर हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो ऊपर होता है। इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देगा तो 5/2 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है? नो डाउट, चले आगे। चलिए अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझने से पहले, ये जयंती के क्वेश्चन है तो इसके बारे में कुछ समझ ले तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या चीज समझिए वो बता रहा हूं आपको। सबसे पहले जो केस है वो हमारा रेक्टेंगल का है। क्या है? रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत L×B। आप जानते हैं लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, या चौड़ाई ज्यादा होगी तो लंबाई कम होगी, यानी वो बराबर शेप में नहीं होगी। इनकी दो भुजाएं जो होंगी वो लंबाई बराबर होगी और दोनों जो चौड़ाई होंगी वो बराबर होगी, बट ये आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा हमें, यानी एरिया पूरा निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है L×B। क्या होता है? L×B। ये चीज आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, कोई भी बच्चा होगा बायो का हो या मैथ्स का हो, ये चीज आपने पढ़ी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन खत्म कर लिया आपने। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा? सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? 37 सीआई कितना कह रहा है आपका? 37 सीआई कितना कह रहा है? 1/2, 1/2%। क्या कह जा रहा है? वृद्धि की जा रही, वृद्धि है ना, हाँ वृद्धि की जा रही, यानी कि एरो ऊपर हो गया हमारा। ये कितना होता है? 3/8। कितना होता है? 3/8। अब वो ये कह रहा है कि 20% की क्या की जा रही है? कमी की जा रही है, यानी इसका क्या हो जाएगा? 1/5% की कमी की जा रही है। यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट है। अभी मैंने आपको बताया क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? L×B, ये तो होता है, यानी L×B ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। L हमारा क्या है? ये भाई सिंपल सी चीज, हमें 20% की लंबाई में वृद्धि हो रही है, 37% की वृद्धि हो रही है, तो 3/8, यानी पहले 8 था, 3 की वृद्धि ले लोगे आप इसमें तो वो 11 में आ जाएगी। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ऐसे ही 5 है हमारे पास और 1 की कमी ले लोगे तो वो वस्तु 4 की हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है चीज? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, आपको पहले ये समझ लो, कोई भी इसमें डाउट आपको लगे तो बताओ। भाई पहले वो क्या कह रहा है?
कि 3/8 की वृद्धि हो जा रही है और 20% की कमी हो जा रही है। जब कमी हो रही तो क्षेत्रफल हमें ये दिया L into B, भाई मल्टीप्लाई तो करेंगे यहाँ पे, कोई भाग तो देना नहीं है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का मैंने लगा दिया। बस अब जो कटता वो काट दीजिए और जो बचता वो बचा लेते हैं, इससे ये 2 बार चला जाएगा, जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 11, भाई 5 × 2 = 10, अंतर कितने का आ गया 1 का, तो 1 पे 10 भाई रियल वैल्यू हमारी क्या ये है × 100, 0 से 0 कैंसिल बराबर 10%। 100 क्यों लगाया गया, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है, इस कारण 100 लगाया गया। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए थोड़ा सा इसमें इंक डाला जाए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, अलग नहीं है, आराम से करेंगे। क्या लिखा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए और उसके चौड़ाई में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए। अब देखिए लंबाई में वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रहा है, तो कितना परसेंट का अंतर आ जाएगा। क्लियर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, क्लियर कर लोगे। आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि, 12.5% कितना होता 1/8, क्या होता 1/8, उसके बाद 33 CI 1/3% की फिर वृद्धि कह रहा है वो, यानी 1/3% की वृद्धि हो रही है, 1/3 की वृद्धि हो रही है, तो पहले भी वृद्धि हो रही है और बाद में भी वृद्धि हो रही है। कोई वस्तु 8 की है, वृद्धि होकर वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, भाई 1 की वृद्धि होगा तो वो ऑटोमेटिक वो 9 हो जाएगा। 3 है उसमें 1 का वृद्धि कर देंगे तो वो वस्तु 4 की हो जाएगी। जो कटता काट दीजिए, जो बचता है वो बचा लेते हैं। 3 से ये कट जाएगा 2 बार, इससे ये कट जाएगा हमारा कितनी बार, 3 × 9 होगा ना, और ये हमारा 2 बार कटेगा, 3 × 9 और 4 × 8, ठीक 2:3 हो जाएगा। सॉरी, पहले 2 था अब 3 आ रहा है, 1 का अंतर आ गया, कितने का आ गया 1 का अंतर आ गया, आया कि नहीं आया। भाई सिंपल सी चीज है, 3 से ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार, 2:3 आ गया। पहले एक वस्तु 2 रुपए की थी, अब वो वस्तु 3 रुपए की, यानी कि 1 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 1 पे रियल वैल्यू हमारी कौन सी है, यानी है क्या होगा 2/100, और आप जानते हो 1/2 हमारा कितना होता 50%, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, समझ आ गया, चले आगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्या कह रहा है, अब व्रत आ गया, सॉरी पहले सर्कल आएगा फिर व्रत आएगा, वही चीज यही चीज, हिंदी में व्रत इंग्लिश में सर्कल। ये पूरा हमारा सर्कल एक कोई है, इसमें मेन सेंटर हमारा बीच में है, इस पूरी लाइन को जो काटता है इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना, और इसकी आधी दूरी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी कि आर, रेडियस, इसको हम डायमीटर कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी कि रेडियस आर कहते हैं ना। यदि इसका क्षेत्रफल कहे कोई तो आप क्या बताओगे, सिंपल सी चीज पाई आर स्क्वायर, क्या होता पाई आर स्क्वायर। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या हमारा व्रत, क्या है व्रत।
ये चीज आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे। क्लियर हो गया, तो चले क्वेश्चन की ओर। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। सेम वही क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आर जो हमें दिया है वो कितना दिया, 50% की वृद्धि हो रही है, यानी थीटा निशान ऊपर। 50% यानी आप जानते हो क्या होता है, 1/2। अब क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल हमें पूछा है, यानी आर इंटू आर कर दें तो ये आर स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताओ। पाई से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें घट रहा है और बढ़ रहा है, पाई तो बराबर ही रहेगा, पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यानी कि आर इंटू आर। पहली बार में दो था, एक वृद्धि हो रही है तो वो वस्तु कितने में जा रही है, 3 में। दूसरी बार फिर यही वस्तु 2 की है तो एक वृद्धि हो रही है तो वो वस्तु 3 में जा रही है। क्लियर हो गया भाई, पहला जो आर है यही तो आ रहा है हमारे पास, 2 रुपए है हमारे पास, एक वृद्धि कर दोगे आप तो वो वस्तु 3 में जाएगी। फिर दूसरी बार में फिर वही आ रहे, 2 रुपए है हमारे पास, एक वृद्धि कर दोगे तो वो वस्तु 3 में जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा, 4:9, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 4 रुपए की थी अब वो 9 रुपए में जा रही है, यानी कि 5 रुपए की वृद्धि हो रही है, हो रही है ना। बस पिछले जैसे 5/5 कितना हो जाएगा, 4 × 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 25 बार, ये तो जाएगा, यानी 5 × 25 हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, चले आ गए 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले आपको स्क्वायर के बारे में जानना पड़ेगा, यानी वृत्ताकार के बारे में, वृत्ताकार यानी कि स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, होती है ना, यदि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर, ये तो होगा भाई, ए स्क्वायर ही तो होगा, होगा ना। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए ये भी क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, किसी वर्गाकार क्षेत्रफल के प्रत्येक भुजाएं 40% कम कर दी जाए तो वर्गाकार के क्षेत्रफल में कितने की कमी या वृद्धि हो जाएगी। सेम वही क्वेश्चन, कौन सा, छठवा नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है। 40% की क्या कह रहा है, कमी कह रहा है, क्या कह रहा है, कमी, ये हमारा क्या है, ए है, यानी 40/100, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2/5। क्लियर, ए है, पहले कमी हो गई, कमी हो गई हमारी, अब इंटू ए फिर है, क्योंकि ए स्क्वायर होता हमारा क्षेत्रफल, यानी ये कमी, पहले हमारे पास 5 रुपए था, अब उसमें 2 की कमी कर दे वो 3 में जाएगी, फिर वही चीज 5 रुपए था मेरे पास और 2 की कमी कर देंगे तो वो वस्तु 3 में जाएगी। क्लियर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25, ये हमारा कितना हो जाता है, 9 हो जाएगा ना। कितने का कमी आ रही है यहां पर, 16 का हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो बस 16/25 × कितना हो जाएगा, 100, इससे ये कैंसिल हो गया, कितनी बार गया, 4 बार, तो 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64, यानी 64% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया,
यानी 64% हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। यहां तक क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले, कौन सा क्वेश्चन बेलन का है? कोई ये बेलन है, बेलन, बेलन आपने सबने देखा होगा, घर में रोटी बनती है वही हमारा बेलन होता है। कुछ इस टाइप का होता है कि नहीं होता, आप बताओ? कुछ इस टाइप का होता है, होता है ना। तो इसका क्षेत्रफल आप ज्यादा ना घूमो या वक्र पर समझ लो, क्योंकि हमें पूछा क्या है, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन चलेगा तो हम आपको क्लियर बताएंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या होता है, 2πRh, ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। बस आप इतना क्लियर कर लो, जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियर बताते जाएंगे संपूर्ण पृष्ठ का होता है, वक्र पृष्ठ क्या है, बाकी क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, ये सब चीज हम आपको मेंसुरेशन में क्लियर करवा देंगे। बस आपको अभी इतना जानना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2πRh। क्लियर हो गया? अब आप सोच रहे हो सर जी आयतन का भी तो आ सकता है, तो आयतन का आएगा तो आयतन का अलग सिस्टम बनता है। क्लियर? चलिए तो सातवां नंबर क्या कह रहा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव आ जाएगा। पहले तो हमें ये बताओ अर्धव्यास क्या होता है। अर्धव्यास, व्यास में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर होता है ना, इसका आधी दूरी को क्या कहते हैं, अर्धव्यास। क्या कहा जाता है, अर्धव्यास। भाई आधी दूरी को अर्धव्यास कहा जाता है, यानी डी बाई टू जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अर्धव्यास। क्या कहते हैं, अर्धव्यास। एक बात नोटिस आप कर रहे हो क्या, जैसे ये है हमारा, ये पूरा पूरा डायमीटर कहा जाता है, बीच में आधा यहां से यहां तक दूरी आर होती है और यहां से यहां तक दूरी आर होती है, तभी तो टू आर बनकर क्या बनता है, व्यास बनता है। यानी आज के बाद आपको पता चल गया अर्धव्यास जो होता है वो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अर्धव्यास जो होता है वो त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? चलिए तो जैसा बस क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे वैसे आप करते जाओ। क्या कह रहा है, 15% का, क्या कह रहा है, 15% का वृद्धि हो रही है। सातवां नंबर क्वेश्चन, 15% की वृद्धि हो रही है, कितने हो रही, 15% की वृद्धि हो रही है, ये कितना हो जाएगा, 3/20। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। उसके बाद ये क्या कह रहा है आप बताओ, उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 10% की कमी हो जाती है, यानी 10% की जैसे ही कमी की जाएगी तो पहले तो वृद्धि की, अब 10% की हमने कमी कर दी, यानी 1/10 हो गया। बस आप जानते हो 2πRh ये तो है, अर्धव्यास के उसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी की गई, यानी ये हमारा R हो गया, ये हमारा H हो गया, यानी RH ये जो चीज होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि नियतांक होती है, यानी स्थिर होता है, उसका कोई मान चेंज नहीं होता। आप ये बताओ ना, पाई का मान क्या होता है, 22/7, तो क्या वो चेंज होता रहता है, नहीं होता ना, सेम, वो एक जगह स्थिर है, जो चेंज होगा ये होंगे, होंगे कि नहीं, यानी कि R into H, R हमारा क्या है, 10 है, अब क्या कह रहा है, कमी हो रही है तो वो वस्तु 9 में जा रही होगी, ये तो क्लियर है। उसके बाद हाइट जो है बढ़ रही है, पहले वो 20 की थी तो अब वो 23 में जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, आप बताओ, जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना। ये जब मल्टीप्लाई किया गया तो ये 200 हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई किया तो ये 207 हो जाएगा। पहले वस्तु 200 की थी, अब 207 में जा रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की, कितने की हो रही है, 7 रुपए की, तो 7 पे 200, भाई रियल वैल्यू तो हमारे पास 200 है,
8 को 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, तो 7/2 ये तो होगा परसेंट। इसको चाहो तो आप चेंज कर लो पॉइंट में, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ। इनमें यानी यहाँ पे ये टाइप खत्म होता है, बस इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्षेत्रफल से आएगा, कमी से आएगा, या कोई भी वस्तु का कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन किया जाएगा। क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए आप देखें, 8वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहां से कुछ चेंजेस आएंगे क्वेश्चनों में, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। क्या कह रहा है? कोई महिला है, एक महिला 1000 रुपए प्रतिदिन कमाती है, तो उसका रियल वैल्यू जो है, जो कमा रही थी वो 1000 रुपए रोज कमा रही थी। कुछ हफ्ते बाद, कुछ वीक बाद, वह 1160 रुपए प्रतिदिन कमाती है। भाई देखिए, पहले वो 1000 रुपए कमा रही थी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। 1000 वो कमा रही थी, अब वो प्रतिदिन 1160 रुपए प्रतिदिन कमाने लगी कुछ वीक बाद, तो उसकी कमाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? भाई जाहिर सी बात है, वृद्धि तो कुछ हुई होगी, तो वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये चीज कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले वो प्रतिदिन कितना कमा रही थी? प्रतिदिन उसका जो था वो कितना था? 1000 रुपए कमा रही थी ना। अब वो बाद में आगे चल के कुछ वीक हुए, कुछ हफ्ते हुए, तो प्रतिदिन कितना कमाने लगी? प्रतिदिन वो कितना कमाने लगी आप बताओ? बाद वाला है, कितना कमाने लगी? 1160 रुपए। तो देखा गया पहले वो 1000 कमा रही थी, अब 1160 रुपए कमा रही, कितने का अंतर आ रहा है? 160 का आ रहा कि नहीं आ रहा? बस काम खत्म। 160 रुपए ऊपर हो जाए, क्योंकि ये लाभ है। आप ही सोचिए, पहले वो 1000 कमा रही थी, अब वो 1160 रुपए कमा रही है। कुछ आप तुलना करो, 5 रुपए का पेन है और वो 6 रुपए में बेच रहा है, तो कुछ तो लाभ कमा रहा है। तो वही चीज तो है, ये 160 रुपए वो ज्यादा कमा रही है। नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? यही आएगी कि यही आएगी? भाई ऑफिशियल सी बात है, आप खुद समझो एक बात कि 1000 रुपए आपको पहले मिल रहा था, यानी पहले आपका रियल वैल्यू जो थी वो 1000 रुपए थी। आगे चल के बढ़ी जो वैल्यू, वो 1160 रुपए बढ़ी, यानी कि हमारे पास सीपी 5 रुपए था, हमने आगे जाके इसको बेचा तो ये 6 रुपए में गई, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी एसपी हमारा बाद वाली वैल्यू हो गई। तो पहले वाली वैल्यू क्या? 1000, यानी कि 1000 यहाँ हो जाएगा, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया? 16%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी 16% इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखे जिससे कि आपको क्लियर और हो जाए। चलिए सॉरी, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए से बढ़कर 9000 रुपए हो जाता है, तो इसके वेतन में हुई वृद्धि का वृद्धि ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। आप बताओ कि पहले उसको 8100 रुपए मिलते थे, बाद में उसके वेतन में क्या हो गया? बाद का वेतन 9000 हो गया। कितने का वृद्धि हुई? 900 की। तो 900 पे कितना हो जाएगा? 8100
100 रुपए, ये तो होगा इन 200 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। ये कितनी बार जाएगा आपका, 99 81, यानी कि 100/9, और 100/9 आप जानते हो 11.9% होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ भाई। आप जानते हो 100/9 क्या होता है, आप जानते हो 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, आप जानते हो 11.9% होता है, ये तो होता है कि कुछ अलग होता है, ये होता है ना, यही होता है कि नहीं होता है, आप बताओ। चले आगे, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। पहले तो एक बात समझो, मैं बताओ कोई भी चीज ली जाती है वो 100 पे ली जाती है कि नहीं ली जाती है, ली जाती है ना, या 100% पे ली जाती है, यही तो ऐसी एक वैल्यू होती है कि 100% कहते हैं ना, 100% की गारंटी दे रहे हैं, कहते हैं ना, ऐसा तो नहीं कहते ना 1000% की गारंटी दे रहे हैं। कभी आपने ये सोचा है, आपके नंबर आए हैं तो ये कहता है कितने परसेंट नंबर आए हैं, तो आप कहते 60% आए हैं, यही कहता है ना, तो आप 100 में से 60% कहते हो ना, ऐसा तो नहीं कहते हो ना 1,00,000% में से 60% आया है, ऐसा तो नहीं कहोगे ना भाई। एक कॉमन सेंस की बात है कि 100% पे कोई वैल्यू ली जाती है, या 100% या 100 रुपए पे कोई वैल्यू ली जाती है। क्लियर, चलिए अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बता दो, 10वां नंबर क्वेश्चन कि टोटल जो विद्यार्थी लेंगे वो 100% होगा, मान के चलेंगे 100% मानेंगे ना। अब ये बात बताओ, कुल जो है हमारे पास, कुल विद्यार्थी जो है वो कितना है, 100%, जिसमें से जो बॉय है वो कितने हैं, 60%, तो गर्ल्स कितने होंगे, गर्ल्स कितने होंगे आप बताओ। तो आप तुरंत कहोगे कि सर 60 में से 40 होगा, सॉरी 100 में से 40 चला जाएगा तो 60% 40% बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताओ भाई। 100% कोई है उसमें 60% आपका बॉय है तो 40% गर्ल्स होंगे, तभी तो जाके दोनों मिला के होंगे, ऐसा तो नहीं कि कोई और भी होगा उसमें भाई, कोई भी है तो एक लड़का होगा एक लड़की होगी, ये तो होगा, यानी बॉयस होंगे और गर्ल्स होंगे। क्लियर, क्लियर हो गया कि नहीं, चले आगे। चलिए अब वो साफ साफ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 40% है ना वो नॉर्मल वैल्यू में 36 दिया हुआ है, यानी लड़कियों की संख्या 36 है, तो सबसे पहले हमें 1% निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको 100% पे बनाना पड़ेगा भाई, हमें 60% चाहिए ना, बॉयस हमें चाहिए ना कि एक्चुअल बॉयस है कितने, तो 60% बनाना है तो पहले हमें 1% बनाना पड़ेगा। यदि 1% हमारा आ गया तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी 1% हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36/40, इससे ये चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। या आप ऐसा करो, आप पहले आप ऐसा कर लो, 36 यहां 10% कर लो, बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा आप बताओ, ये हमारा हो जाएगा 4×9=36 हो जाएगा ना, यानी 100% यहां करेंगे तो 100% यहां भी होगा, 1 0 इधर लगाते तो 1 0 इधर लगा दिया, यानी हमें पता चल गया कि टोटल जो बच्चे थे वो 90 बच्चे थे। यहां तक क्लियर हो गया, टोटल जो बच्चे थे वो 90 बच्चे थे, क्लियर हुआ कि नहीं भाई। 40% हमने निकाला तो 36 हमारा दे रहा था क्वेश्चन में, बट टोटल हमें 100% निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हमें विद्यार्थियों की संख्या में पता करना है कि कितने हैं, तो वो 100% पे निकालना पड़ेगा। क्लियर,
क्लियर है कि नहीं? यहां पे क्लियर है कि नहीं? फिर समझो बात को, कुल विद्यार्थी हमारे पास 100% है, जिसमें बॉयज 60% है और गर्ल्स हमारी 40% है। भाई बच्चे की जो गर्ल्स तो होंगी 40% है, कितना है 40%, 40% जो दिया है वो 36 के बराबर दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया, 36 के बराबर है ना। तो हमें 100% पहले निकालना पड़ेगा कि कुल विद्यार्थी मेरे पास कितने हैं। तो 100% हमने निकाला 90 विद्यार्थी है ना, 90 विद्यार्थी। अब या तो आप ऐसा कर लो कि 90 में से 100% में से 40% घटा दो तो आपका बॉयज की संख्या आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बॉयज की संख्या आएगी ना। यानी 90 में से, यानी 90 में से 36 घटा दे तो कितना आ जाएगा हमारा 54, ये हमारा बॉयज की संख्या आ जाएगा। भाई 100% में से 40% घटा देंगे तो 60% हमारे बॉयज आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, 100% हमारा 90 है तो 100% में 60% कितना होगा, तो क्या करेंगे 90 into 60%। भाई 90 हमारे पास जो संख्या है उसका 60% यानी 100%, 100 में से 60% कितना होगा, तो 90/100, 20 से 20 कैंसिल, कितना हो जाएगा 54। यानी ये निकाल लो, यदि बॉय निकालना चाहो बॉयज की संख्या, ये यदि आंसर निकाल लो, या तो ये निकाल लो, बात एक ही है कि कोई अंतर है? कोई बात तो एक ही है, यदि ये निकाल रहे हो या ये निकाल रहे हो, बात तो एक ही है कि कोई अंतर आ रहा है इसमें, आप बताओ। भाई कोई अंतर आ रहा है इसमें? भाई 90 में से 60% 90 का निकालेंगे तो हमारा 54% आएगा, 54% यहाँ ही आएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बताओ, इनमें कोई डाउट नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।